और पटना की बात करते हैं, जहां पर विपक्षी गठबंधन के दिग्गज एक साथ मंच पर दिखेंगे। मौका होगा तेजस्वी यादव की जन विश्वास रैली का। रैली के बहाने इंडिया गठबंधन के नेता अपनी ताकत और एकता दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से राहुल गांधी पटना के लिए रवाना हो गए हैं। तेजस्वी की रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। तेजस्वी की जन विश्वास रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य एक मंच पर होंगे। आरजेडी ने दावा किया है कि जन विश्वास महारैली दिल्ली और बिहार की सत्ता को संदेश देने के लिए काफी है। तो पटना में इंडिया की शक्ति का प्रदर्शन है और बड़ी रैली यहां पर होने जा रही है। इंडिया की रैली में विपक्ष जुटेगा। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ग्वालियर से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। शशांक हमारे साथ जुड़ गए। शशांक, कितने बजे से ये रैली है और कौन कौन से दिग्गज पटना पहुंच चुके हैं? देखिए, रैली शुरू हो चुकी है। मैं मंच की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह, वरिष्ठ विधायक आरजेडी के भाई बीरेंद्र समेत राजद के तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। वाम दल से डी राजा, सीताराम येचुरी आ चुके हैं, सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं, राहुल गांधी करीब 1:15 पर यहां पे पहुंचेंगे, अखिलेश यादव 12:45 तक जो है यहां पहुंचेंगे। भारी भीड़ जुटी है। दावा किया जा रहा है कि 1 लाख से ऊपर लोग यहां आए हैं और लोग अभी धीरे धीरे गांधी मैदान पहुंच ही रहे हैं। महागठबंधन का दावा है कि करीब 3 लाख लोग इस रैली में आएंगे। आप देखिए, सब अपने हाथ में पार्टियों का झंडा लिए हुए हैं, बैनर पोस्टर है। हम उन लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं औरंगाबाद से आया हूँ। भीड़ तो काफी है, बहुत ज्यादा भीड़ है। ये आवाज भी दिल्ली तक चली गई है। आवाज दिल्ली तक जाएगी? बिल्कुल चली गई है, दिल्ली तक आवाज जाएगी, रुकने वाली नहीं है। ये देखिए, इशारा अभी है, अभी तो सब कुछ बाकी है। बारिश हो रही है लेकिन कार्यकर्ता आए जा रहे हैं। आते रहेंगे, आते कितनों ही बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट होकर के, महागठबंधन के एकजुट साथ है। किसको सुनना चाहते हैं आप लोग? राहुल, तेजस्वी, लालू जी, किसको? क्या महागठबंधन? गठबंधन है आज तेजस्वी यादव को, पूरा बिहार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को सुनने के लिए यह जन सैलाब आया है। यह लहर नहीं ललकार है, दिल्ली के लिए यह अंतिम घोषणा है। यह बिहार सिखा देगा, दिल्ली के गद्दी को हिला के रख देगा, इसीलिए यह जन सैलाब गांधी मैदान में आया है। कल तो मोदी जी की भी रैली थी, भारी भीड़ वहाँ भी जुटी थी, बहुत सारी भीड़ जुटी हुई थी। आज 10 लाख से ज्यादा, आज यहाँ 10 लाख से ऊपर जनसंख्या। कार्यकर्ताओं से मैं बात करूंगा। देखिए, युवा भी है, कहाँ से आप लोग आए हैं? रायगढ़ से। कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है। यही कहना चाहते हैं कि हम तेजस्वी यादव सबसे मुख्यमंत्री बनाना है, 2024 के लोकसभा में हराना है उसको, और 25 में उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं। बिहार में 40 सीटें, किसका पल्ला भारी लग रहा है? पल्ला है बीजेपी के, महागठबंधन। क्यों? मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि अब तो डबल इंजन की सरकार बिहार में बन गई। अरे मोदी जी तो कुछ ही बोलते रहते हैं, बिहार में पूरा 40 आवेगा, आरजेडी रहेगा। बिहार में टोटल 40 के 40 लोकसभा, बिहार के महागठबंधन पार्टी जीतेगी, आरजेडी गठबंधन जीतेगी। अच्छा, हम और लोगों से बात करेंगे। नीतीश जी तो एनडीए में चले गए। क्या सर? नीतीश कुमार, लालू यादव अच्छा नेता, बेरोजगार को दूर भगाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे इस बार। जी हाँ, तेजस्वी यादव रोजगार देंगे युवा के। पलटू चाचा तो है ही, पलटू हम लोग बैठे हुए हैं नौकरी खातिर, नौकरी लेकर जाएंगे, तेजस्वी यादव को पूरा भाषण सुनेंगे और पूरी नौकरी देने की वादा किए हैं तेजस्वी यादव, नौकरी देंगे। हमें पूरी उम्मीद है नौकरी के मांग खातिर यहाँ हम आए हैं, अपना आवाज उठाएंगे। बोलिए बोलिए, क्या आपका प्रश्न क्या है? कितने उत्साहित है रैली को लेके, और तेजस्वी तो ये बताएंगे कि हमने रोजगार देने का काम किया, तो लगता है कि रोजगार दे रहे थे सरकार में। दे रहे थे तो में विपक्षी के जलन हो रहा था, रोजगार दे रहे थे तो में विपक्षी के जलन हो रहा था, सरकार गिरा दिया। अपनी भाजपा भगाना है और देश को बचाना है, भाजपा ने रेलवे। आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि धन अर्जित कर रहे थे सरकार। पलटू चाचा मुर्दाबाद, पलटू चाचा मुर्दाबाद। बिल्कुल शशांक, आपने लोगों की बातें सुना दी। अब थोड़ा मंच की भी तस्वीर दिखाइए कि कौन कौन से दिग्गज वहाँ मौजूद हैं
और क्या महत्वपूर्ण बातें मंच से हो रही हैं, अभी तक क्या कहा गया है मंच से? देखिए अभी जो है राजद के विधायक हैं भाई बीरेंद्र, वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी नौकरी मैन ऑफ इंडिया है, सो दो महीने में 2.25 लाख शिक्षकों को तेजस्वी नौकरी दिए, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है, बस एक परीक्षा देनी होगी। तो सब फैसला तो राजद के लोग ले रहे थे, लेकिन नीतीश अपनी कुर्सी बचाने के लिए चले गए बीजेपी। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और एक बार फिर शशांक के पास जाएंगे और एक बार दिखाएंगे मंच। मंच की तस्वीर शशांक नजर आ रही है, कौन कौन से लोग मंच पर मौजूद हैं इस वक्त? देखिए दो मंच बनाए गए हैं, कुल दो मंच बनाए गए हैं, जो जिस मंच की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, इसमें CPIML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य नजर आ रहे हैं, आलोक मेहता है, मनोज झा है, RJD के डी राज है, और भी जो प्रमुख नेता है महागठबंधन के। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर थोड़ी देर में अखिलेश यादव पहुंचेंगे और 1:15 बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे, आपके पास आएंगे। शशांक बने रहिए आप, ये पूरी तस्वीर है। तो पटना में ये रैली हो रही है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। ABP News आपको रखे आगे।